तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज मैं जिस वीडियो को रिएक्शन करने लगा हूं, ये एक फिर से मेरी वो सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं इंडियन सिटीज़ जो से हैं, मैं अपनी वीडियो अपने चैनल के स्टार्ट से ही मैं बहुत से इंडियन सिटीज़ है जिनके ऊपर रिएक्शन डालता आ रहा हूं। तो उसमें से एक वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़ जो है उनमें से एक है मुंबई। तो मुंबई की ये थोड़ी सी लेटेस्ट वीडियो है, मतलब कि एक साल पुरानी है। जो मैंने लास्ट वीडियो देखी थी मुंबई की वो कोविड के दौरान की थी, और कोविड को गुजरे हुए तीन चार साल वो हो गए हैं, तीन को साल तो हो गए हैं क्योंकि 2020 में कोविड आया था, तो तीन साल तो हो गए हैं। तो तीन साल के बाद जो है ये एक साल पुरानी वीडियो है जो सबसे लेटेस्ट मुझे मिली है। ये आई है एनी ट्यूब किरण के नाम से ही चैनल है इस इन भाई का, तो इनको भी जाके प्यार दें। और तो आज की वीडियो का टाइटल है मुंबई सिटी व्यू एंड फैक्ट्स, मुंबई स्काईलाइन, बांद्रा, वर्ली, सी लिंक, उसके बाद है मरीन ड्राइव। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। और इस वीडियो को जाने से पहले अगर आपने अभी तक अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले मिल सका करे। तो सेकंड पे मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर आप थोड़ा सा मतलब करंट अफेयर जो होते हैं उनको जानते हैं तो आपको आइडिया हो गई कि पाकिस्तान में जो है वो इंटरनेट का बड़ा इशू चल रहा है। जो इंटरनेट है ना वो प्रोक्सी लगा के भी बड़ा तंग कर रहा है, मतलब प्रोक्सी लगा के भी नहीं चलता। तो इस तरह से ये है कि मैं जो है आज इंटरनेट, मुझे उम्मीद है कि इंटरनेट मुझे इतना तंग नहीं करेगा क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी इंदौर के ऊपर उसमें तीन से चार दफ़ा बफरिंग कर गया था। तो आई होप कि आज की वीडियो में नहीं करेगा। तो चलें आएँ इस चैप्टर को शुरू करते हैं, उस पर करेंगे बातें। तो लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू एनी ट्यूब किरण यूट्यूब चैनल। दोस्तों जहाँ पे हर कोई अपने सपने को पूरे करने के लिए आते हैं, शायद तभी इसे सपनों का शहर कहा करते हैं। सपनों का शहर, और यह शहर है भारत की ड्रीम सिटी मुंबई सिटी, जो भारत के सबसे लोकप्रिय शहरों में से एक है, जिसे पहले बॉम्बे कहा जाता था। कहा जाता है कि मुंबई कभी ना सोने वाला शहर है, और ये भी माना जाता है कि कोई मुंबई आके सही लगन से मेहनत करे तो मुंबई उसे कभी भी निराश नहीं करता। अच्छा। मुंबई की खूबसूरती को बयान करने के लिए कई गाने, किताबें और बहुत सारे मूवी भी बनाई गई है। तो चलिए सपनों के शहर मुंबई के बारे में कुछ रोचक बातें और फन फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो सबसे पहले देख पाए। मुंबई भारत के तीसरे सबसे बड़े स्टेट महाराष्ट्र की राजधानी है। 1995 तक मुंबई को हम बंबई के नाम से जानते थे। मुंबई एक पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ होता है ब्यूटीफुल या फिर सुंदर खाड़ी। अच्छा। मुंबई का नाम मुंबा देवी के नाम पर रखा गया है। मुंबई दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक है मुंबा और दूसरा है आई। मुंबा देवी दुर्गा का एक रूप है और आई का अर्थ होता है माँ। मुंबई अच्छा। की जनसंख्या 2,06,67,000 के करीब है और यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अच्छा। मुंबई जनसंख्या और क्षेत्र के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर है। मुंबई 7 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। इन 7 द्वीपों को एक शहर मुंबई बनने में 60 वर्ष का समय लगा था। मुंबई को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे बॉम्बे, माया नगरी, सपनों का शहर, हादसों का शहर, बम्बई, भारत की आर्थिक राजधानी और भी कई नाम से। क्या आप जानते हैं भारत की पहली 5-स्टार होटल मुंबई में ही बनाई गई थी, जिसका नाम है ताज। दोस्तों मुंबई की क्रिकेट टीम को रणजी में अब तक 38 खिताब मिल चुके हैं, जो कि बाकी टीम से सबसे ज्यादा है। भारत का पहला रेल एक्सटेंशन भी मुंबई में है, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। दोस्तों भारत में पहला ट्रेन भी मुंबई से ठाणे बीच चलाई गई थी। मुंबई में रोज 5 बिलियन लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं। हाँ, और भारत में सबसे ज्यादा लोकल ट्रेन मुंबई में ही चलती है। पूरे भारत में हर रोज करीबन 2 करोड़ लोग रेल यात्रा करते हैं, जिसमें से अकेले मुंबई में ही 64 लाख लोग यात्रा करते हैं। और मुंबई भारत में बस सेवा चालू करने वाला पहले शहर है। 15 जुलाई 1926 में मुंबई में पहली बस चली थी। मुंबई में रोज करीबन 45 लाख लोग बस में सफर करते हैं। दोस्तों भारत का पहला कार मलिक मुंबई में ही रहते थे। मुंबई का एक और भी नाम है, वो है हेफ्टानेसिया, और ये नाम सन 250 तक ही था। मुंबई का सबसे पॉपुलर स्ट्रीट फूड है वड़ा पाव और भेलपुरी। हाँ, मुंबई के लोगों के पास समय कम होने के कारण वड़ा पाव और भेलपुरी खा के अपना जीवन चला लेते हैं। भारत का पहला एयरपोर्ट जुहू एरोड्रोम मुंबई में ही खोला गया था,
जिसका उद्घाटन सन 1928 में हुआ था। पूरी दुनिया का सबसे महंगा बंगला एंटीलिया मुंबई में है। एंटीलिया मुकेश अंबानी का 27 फ्लोर्स का एंटीलिया जिसकी कीमत है $1 बिलियन। एक जंगल बुक के लेखक का जन्म मुंबई में हुई थी। भारत का सबसे पहला पोस्ट ऑफिस सन 1832 में मुंबई में ही खोला गया था। मुंबई का बंदरगाह भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है और इसके साथ ही यह सबसे व्यस्त बंदरगाह में से एक है। मुंबई इंडिया की मनोरंजन राजधानी है। भारतीय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब मुंबई है जिसे बॉलीवुड कहते हैं। बॉलीवुड शब्द का ब बॉम्बे की ब से लिया है और हॉलीवुड शब्द का वुड मिलकर बॉलीवुड शब्द बना है। मुंबई दुनिया की टॉप 10 कमर्शियल सेंटर में से एक है। मुंबई का नॉमिनल GDP $209 बिलियन है जो कि दुनिया का कहीं कंट्री से ज्यादा है। भारत की GDP का 6% मुंबई से ही आता है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। इंडिया की सबसे अमीर शहर मुंबई को माना जाता है। मुंबई में फेमस गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भारत में महारानी मैरी के आगमन का स्वागत के लिए बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया जो कि 4 दिसंबर 1924 को पूरी तरह से बन गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार मुंबई में हर साल लगभग 86 इंच तक बारिश होती है और इस शहर में 7,800 मीट्रिक टन से भी ज्यादा कूड़ा जमा किया जाता है। मुंबई शहर का मौसम हर समय एक जैसा रहता है और यह मौसम है केवल उमस भरी गर्मी। ऐसी है, इसका मुझे मुंबई की बात हो और डिब्बे वाले ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुंबई के डिब्बे वाले पूरी दुनिया में फेमस हैं और मुंबई में डिब्बे वालों का पूरा एक लंच बॉक्स डिलीवरी सिस्टम है जो बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार लंच बॉक्स डिलीवरी सिस्टम को दुनिया की सबसे अच्छी सप्लाई चेन घोषित किया गया है और इस चैन सिस्टम से कभी कोई खाने का डिब्बा गलत लोगों के पास नहीं पहुंचा है। सन 1890 में पहली बार मुंबई में डिब्बा वालों की शुरुआत हुई थी। मुंबई में लगभग 150 किलोमीटर का सामुद्रिक तटरेखा है। बहुत से लोग इसकी विशाल समुद्र तट के बारे में नहीं जानते। मरीन ड्राइव से अक्सा बीच तक मुंबई में विशाल समुद्र तट है। 90,000 टन सीमेंट और स्टील के तारों से मुंबई में बनाया गया बांद्रा वलीसी लिंक जो पृथ्वी की परिधि के बराबर है। भारतीय क्रिकेट ने वैसे तो कई सुनहरी यादें देखी हैं, लेकिन भारतीय सरजमीन पर अगर कोई सबसे बड़ी खुशनुमा याद है तो वो है भारत की 2011 की विश्व कप जीत। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 28 साल के लंबे इंतजार के बाद विश्व कप पर कब्जा जमाया और जिस मैदान पर ये जीत आए उसका नाम है मुंबई का वानखेड़े क्रिकेट मैदान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पूरी दुनिया में पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा पसंदीदा नेशनल पार्क्स है और यहाँ पर 2400 साल पुरानी कान्हेरी गुफाएं भी स्थित हैं। वैसे तो इंडिया में सबसे ज्यादा स्काईसेफर मुंबई में ही है। मुंबई में ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा स्काईसेफर एंड 8,000 से ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स अभी तक मौजूद है। पैलेस रॉयल मुंबई सिटी और पूरे इंडिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इसमें 88 फ्लोर्स है और इसकी हाइट है 320 मीटर्स। इतनी तरक्की के बावजूद भी मुंबई का एक काला सच भी है कि मुंबई की कुल जनसंख्या का लगभग 60% गंदी बस्तियों और झुग्गियों में रहते हैं। मुंबई की धारावी एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है। 2008 में फॉक्स ने मुंबई को टॉप 10 सिटी में टॉप बिलियनियर के लिस्ट में 8 नंबर पर जगह दी थी। अगर मुंबई के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो पूरा शहर में वाइड रोड के साथ ही रैपिड मेट्रो और लोकल ट्रेनों से कनेक्टेड है। इसके साथ ही पूरे भारत में से सिर्फ मुंबई में ही मोनोरेल चलते हैं। मोनोरेल हाजी अली दरगाह समुद्र के अंदर स्थित सरफेस दरगाह है जो कि मुंबई में ही स्थित है। यह दरगाह सदियों से यूं ही खड़ी है, चाहे समुद्र में कितनी भी हलचल क्यों ना हो दरगाह को आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। रात में मुंबई शहर का सी लिंक जैसे किसी रानी के गले के हार जैसा लगता है। क्वींस नेकलेस के नाम से मरीन ड्राइव दुनिया भर में फेमस है। मुंबई भारत की सबसे बड़ी नगरी होने के साथ ही भारत देश का एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र भी है। मुंबई दुनिया के 9वें सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है। मुंबई एक समृद्ध शहर है और यहाँ प्राकृतिक बंदरगाह भी है। इसके साथ ही मुंबई वित्तीय मनोरंजन और वाणिज्यिक क्षेत्र में भारत की राजधानी है। यही नहीं मुंबई में NSE, BSE, RBI और अन्य कई आवश्यक संगठनों के हेडक्वार्टर्स भी मुंबई में स्थित हैं। इनके अलावा देश की 3 बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप मुंबई से ही ऑपरेट करती है। दोस्तों, भारत का ड्रीम सिटी मुंबई के बारे में जानकारी कैसा लगा और इसमें आपका क्या राय है कॉमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कॉमेंट से
हम जैसे न्यू यूट्यूबर को मोटिवेट मिलता है। सब्सक्राइब करो यार इनको भी और मुझे भी। अच्छा जी भाई, तो डैड्स फॉर टुडे रिएक्शन, और मेरा रिएक्शन था ये मुंबई सिटी के ऊपर। आपको इसमें सबसे मज़े की चीज़ क्या लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। भाई को भी जाकर सपोर्ट करें, और मैं भी नया यूट्यूबर ही हूँ, हालांकि मुझे साल से ऊपर हो गया, फिर भी मैं नया ही हूँ क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं मिली उस तरह से जिस तरह से मिलनी चाहिए थी। तो चले, मुंबई मुझे बहुत पसंद है, मुंबई मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं कभी इंडिया में आता हूँ ना, तो सबसे पहले जो मैं लैंड करूँगा ना, वो करूँगा गोवा में, सेकंड में मैं जाऊंगा मुंबई में, थर्ड में मैं जाऊंगा दिल्ली, फोर्थ में मैं जाऊंगा चेन्नई, उसके बाद फिफ्थ में हैदराबाद, उसके बाद फिर मैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना उसकी तरफ निकल जाऊंगा। तो ये मेरा प्लान है जो मुझे पूरा होता नज़र नहीं आता। तो चले, डैट्स फॉर टुडे रिएक्शन वीडियो। आपको ये रिएक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर किसी चीज़ पे रिएक्शन चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, एंड हुदा हाफिज़।